हाय फ्रेंड, तनुष्का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे सिलाई से रिलेटेड, जो आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बच्चा का नैपकिन। तो इसके लिए हमको चाहिए पेपर, पेंसिल, चॉक और सुई धागा। और ये स्केल है। पहले हम आपको पेपर पर सिखाएंगे, उसके बाद फिर कपड़े पर सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको एक कॉपी और पेन लेना है, इस तरह से ड्राफ्ट वाला, जिससे आप ड्राफ्टिंग और सिलाई दोनों कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं बेबी नैप के बारे में। ड्राफ्टिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले पेपर को फोर फोल्ड करना है, उसके बाद लंबाई जितना हो उतना, 10 इंच देखिए लंबाई है, 10 इंच लंबाई लेना है। ऊपर से 1.5 इंच मोड़ने के लिए लेना है। और चरखुट कपड़े में यहाँ से यहाँ तक के 4 इंच और इधर 2 इंच लेना है। 2 इंच लेकर यहाँ से ऐसे सीधे कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से। चलिए आपको हम पेपर पर काट के बताते हैं। देखिए ये पेपर का आधा भाग है, इसको हम 2 फोल्ड किए, 2 फोल्ड करके फिर इसको 4 फोल्ड कर देना है। फोर फोल्ड करने के बाद देखिए, जैसे कि आपको बताया था, यहाँ से मोड़ने के लिए 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ आता है, तो सीधे लाइन खींच देंगे यहाँ से, पूरी लंबाई लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से 4 इंच लेना है, 4 इंच यहाँ आता है, तो यहाँ लाइन खींच देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से 2 इंच लेना है, तो 2 इंच कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसके अंग लाइन खींच देंगे। और फिर इधर से तिरछा ड्रॉ कर देंगे। देखिए अच्छे से, यहाँ से ऊपर से मोड़ने के लिए है। चलिए इसको कटिंग कर देते हैं। इस तरह से कटिंग कर दिए हैं। अब इसको खोलें, देखिए इस तरह से, इस तरह से हो गया हमारा। अब इसको ऐसे कर देना है खोलकर, और उल्टे तरफ से हमको सबसे पहले एक बार पतले से मोड़ना है, एकदम पतला सा, और फिर ऐसे इसी तरह से पूरे पेपर में यहाँ से यहाँ सिलाई लगाना है। देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से मोड़ कर एक बार, और दूसरा से चौड़ा मोड़ कर, सीख कर बताते हैं आपको इस तरह से सुई धागा की मदद से।
ऐसे सिल लेना है यहाँ पूरा। देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई कर ली है। उसके बाद इसको ऐसे मोड़ देना है, मोड़ कर फिर यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना है इधर से, और इस साइड से सिलाई लगाना है। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसको इधर से मोड़ देना है, पहले पतला सा, उसके बाद ऐसे करके। देखिए इस तरह से 1.5 इंच हमने लिए थे, मोड़ कर सिलाई लगा दिए हैं। अब इसको पूरे को ऐसे निचोड़ देना है ताकि हम उसको पलट सकें। देखिए इस तरह से निचोड़ने के बाद फटता नहीं है, ये उघर गया है यहाँ से। कपड़े पर हम अच्छे से आपको दिखाएंगे इस तरह से हमारा। देखिए इस तरह से हमारा नैपकिन बनकर तैयार हो गया। अब हम आपको इसको अगले वीडियो में कपड़े पर सिलकर बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।